कर स्वरूप अपनी निद्रा को त्यागो तुम स्वरूप स्तुति करते हैं और हनुमान जी महाराज जगते हैं क्रोध में। उन्होंने कहा, क्या कहते हो जामवंत, सागर की खारे धारा को लाऊं या निगल जाऊं, क्या कहते हो बताओ, अभी जाऊं पूरी लंका को उठा के लाके इस पार रख दूं या खाली जानकी को उठा लाऊं। कहते हो तो दशकंधर का विनाश कर दूं या पूरी सृष्टि का प्रलय कर दूं। तो बड़े बुजुर्ग का काम क्या होता है, जामवंत जी यानी स्वयं ब्रह्मा जी हैं। शांत शांत रण केसरी रोको निज आवेश, शांत शांत रण केसरी रोको निज आवेश, उतना ही बल कीजिए जितना है। हनुमान जी लंका की तरफ जाने का प्रस्थान करें, शांतम शास्त प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म संभो फणींद्र सेव्यमनिषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानुगानिनामागण्यं सकल गुण निधान वानरनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम नमः। हनुमान जी को ज्ञान हो गया है राम का कार्य करना है, और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक ऊंचा स्थान है भूधर यानी पहाड़ जिसे कह सकते हैं, और कौतुक कूद चढ़ौता देखते देखते उत्साह हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़ गए हैं, और बार बार रघुवीर सवारी अपने अपने छलांग लगाए उन्होंने, बार बार रघुवीर सवारी, बार बार अपने परमात्मा श्रीहरि राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपने इष्ट का स्मरण करके तर के वो पवन तने बल जहि गिरि चरण दीन हनुमंता हनुमंता चल उस गापा
भक्ति कर माना ये ही अभाति चलो हनुमाना हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय पवन सुत हनुमान जय ही गिरि चरण दीन हनु जिस पर्वत पे खड़े होकर हनुमान ने छलांग लगाई उनके तीव्र वेग के प्रभाव से वो पहाड़ पाताल में चला गया। कुछ मूर्ख विद्वान कहते हैं हनुमान जी पाताल में चले गए। अरे बड़ी अटपटी व्यवस्थाएं हैं मानस में आप कल सुनेंगे। रावण ने जानकी का हरण कुदृष्टि से थोड़ी किया, उसे पता है कि अगर जानकी के वरदान से हनुमान जी अजर अमर हो सकते हैं और एक बार जानकी ने अगर मुझे देख लिया तो हजार राम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। नहीं तो रावण को जानकी के रखने के लिए लंका में सोने के महल में जगह नहीं थी क्या? अपना अपना मत, अपना अपना विद्वान टीकाकार कभी अपने तरीके से व्याख्यान करते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही बात चलो हनु अमोघ बाण के जैसी गति से हनुमान जी महाराज चलते हैं। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा है कि थोड़ा सा इनको विश्राम करवा दो, राम का कार्य करते हैं। हनुमान तही परसा, हनुमान जी ने उसे छू लिया और कर पुनकीन प्रणाम, मर्यादा को रखा, मैनाक पर्वत को स्पर्श किया, प्रणाम किया और चले। राम काज कीने बिनु मोहि कहा, बिना राम का कार्य किए हमें विश्राम हो ही नहीं सकता। जात पवन सुत देवन देखा जाने कह बल बुद्धि इसे। और सुरसा नाम अहिन की माता पठई ने आई कही तेही, आज सुरन मोहिदीन सुनत बचन कह पवन कुमारा। मैया मान जा मेरा एक काम है वो पूरा कर दूं फिर मैं खुद तेरे पास आ जाऊं। हे राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सिद्ध प्रभु ही मुझे मेरे राम का कार्य करके आने दे। भगवान का मेरे भगवान को जानकी का खबर सुनाने दे, इसके बाद स्वयं मैं तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन कहां माने,